पट्टे दूध पीजा गटगट। अरे पहले पेट पूजा फिर बातें, ताकत नहीं आएगी तो बातें कैसे करेगा। ए पी वाह मेरे शेर, तू तो किसी अच्छे घर का मन पड़ता है। बताऊं कैसे ताड़ गया, भूख के मारे जान फोटो, लेकिन दूध पीने के स्टाइल में वही नजाकत है। तो बात यह है कि हाँ बोल बोल खुल के बोल, कहाँ तक पढ़ा हुआ? एमएससी फर्स्ट क्लास। एमएससी फर्स्ट क्लास, मेरा वतन पंजाब। वाह वाह वाह, गनीमत है ये नहीं कहा कि तू आसमान से टपका। अरे वो तो मैं तेरी सूरत देख के जान गया था कि तू पंजाब से, पर मैंने तेरा सूबा नहीं पूछा भाई। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तू कहाँ से आया है, किस शहर से, किस गांव से। शहर गांव? ठीक है बाबा, नहीं बताना चाहता तो मत बता, लेकिन ये तो बता दे यहां क्यों आया? मरने। यहां? अच्छा, तो आपकी रूह ने आपसे ये कह रखा था कि जब तक आप अपने घर से सैकड़ों मील दूर नहीं निकलेंगे वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, है? नहीं, मैं इसलिए यहां आया कि मेरी लाश को भी कोई ना पहचान सके। यहां पहुंचा तो नई नई सूरतें, नई नई जगह, पर आई मगर अपनी से सोचा चंद्रोज जी के देख लो, तो काम ढूंढने निकला, जेब खाली हो गई और भूखा प्यासा एक बार फिर उसी मौत के सामने। सुनिए, अगर आपको मरना है तो दूध पी के मरिए। एक ये सिर्फ तेरी कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। अब मुझे को देख ले, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, डिग्री वाला हूं, लेकिन फायदा नौकरी के पीछे भागता रहा और मेरे पीछे बेकारी, इसी भागदौड़ में यहां आ पहुंचा। किस्मत अच्छी थी कि एक शानदार नौकरी मुस्कुराते हुए सामने, चपरासी की तो मैंने भी हंस के उसके गले में बाहें डाल दी। और चूंकि मुझे अपनी सेहत का बड़ा ध्यान है इसलिए मैं सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूं, और वो भी यहां का इडली डोसा नहीं, अपनी साइड का चपाती, अगर वो मिले तो। देखते नहीं क्या सेहत बना रखी है, क्या पहलवान। अच्छा तो फिर मैं चलता हूं। कहां जा रहे हैं? है कोई ठिकाना तेरा यहां? नहीं, मगर मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? हाँ कुछ लोग दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बोझ तो मेरा अकेलापन है। सुन, मेरे साथ रह जाना। नहीं, आप तो खुद ही मुसीबतों का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे साथ मिलकर मुसीबतों का मुकाबला करने, लेकिन आप तो खुद ही भूखे रहते हैं। मेरे साथ मेरी आधी भूख पटाने। अच्छा मैं दफ्तर जाता हूं, शाम को मिलूंगा। एक जाना नहीं, तूने मौत को एक चांस दिया है, अब एक चांस जिंदगी को भी। ये फाइल बड़े साहब के टेबल पर रख दो। फाइल बड़े साहब। मॉर्निंग सर, कैसे हो रहा है? ओके सर। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो राम। यस सर, प्रदेश में अपने साइड का आदमी मिल गया है, अब मैं अकेला नहीं रहा। सर एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे तुम लोग को सिवाय खेलने का और कुछ नहीं पड़ा है? दा 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 दा। कहाँ जा रहे? ओह, आप समझे मैं चला गया? नहीं भाई, मैंने समझा मैं फिर अकेला हो गया। मैं जरा ये टहलने गया था। अच्छा आओ चलो अंदर चले। ये आपका नाम है? ये? हाँ क्यों? मेरा भी यही नाम है। क्या? मेरा नाम तो रामचंद है। मेरा नाम रविचंद्र है। अच्छा, हाथ मिला यार इसी बात पे।
अरे तेरे लिए क्या बात है? कुछ नहीं, घर से पिताजी की चिट्ठी आई, माँ बीमार, अस्पताल में दाखिल करना है, 1000 रुपए चाहिए। 1000? वो कहाँ से आएगा? कुछ नहीं, क्या करेंगे आप? वो करना था कर लिया, पैसे भेज नहीं सकता, आंख में तो आंसू थे, बाहर दिए चुपचाप। मगर नागप्पा जी हमारे ऑफिस में क्लार्क है, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं, बड़े काम के आदमी है। हाँ तो नागप्पा जी कहिए, आज इधर कैसे, बड़े लोगों के तो बिना किसी मतलब के आना जाना होता ही नहीं। एक अर्जेंट काम था। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए नागप्पा जी, मेरी जिंदगी का कोई भी राज मेरे इस दोस्त के सामने नहीं छिपा हुआ। बता तो समझ गया राम बाबू, समझ ही गया। एक बात पूछूं? हाँ पूछे। आपने हमारी ऑफिस में नौकरी की अपने दो नामों से दो एप्लीकेशन भेजी थी ना? नोटरी देखिए, आपका दूसरा एप्लीकेशन का जवाब एक नया अपॉइंटमेंट लेटर असिस्टेंट मैनेजर की जगह के लिए बड़ा मैनेजर साहब है ना, आज ही टाइप करवाया। मैंने सोचा इसको पोस्ट क्या करूं, मैं ये खुद जा करके दे करके आ जाऊं। इधर है, ये है क्या? लाइए लाइए लाइए। वाह 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 नागप्पा जी, क्या खूबसूरत टाइपराइटिंग है, एक एक अक्षर आपके चौके की तरह चमकता दमकता हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन आपका पहला नौकरी तो है पक्की परमानेंट चपरासी की, तो दूसरी नौकरी के बारे में क्या विचार है आपका? आपका क्या विचार है? इसलिए तो यहाँ आया हूँ। समझा नहीं। देखिए हमारा एक रिश्तेदार है, बीए पास है मगर बेकार है। अच्छा अच्छा, तो बेकार होने के लिए बीए पास करना चाहिए? ऐसा नहीं जी, इसलिए किसी हालत में उसको ये नौकरी मिल गया तो इस पेपर की कीमत 3000 रुपए की क्या हिसाब की रिश्वत। भैया नगप्पा जी अंदर बैठे, अभी जाते हैं। राम भैया आप नागप्पा जी की बात मान लीजिए। क्यों, 3000 रुपए मिल रहे हैं इसलिए? हाँ। और वो 3000 रुपए में घर भेज दूं? हाँ। पागल तो नहीं हो गया, तुझे क्या मालूम मेरे घर के बारे में? रवि है ना? रविचंद। असली या नकली? असली। तो कल से नौकरी तेरी। मेरी? वो कैसे? आरचंद, रविचंद भी तो हो सकता है। चुप, इसी का नाम है जिंदगी। राम बाबू क्या विचार है आपका? नागप्पा जी मैं आपको एक दो रोज में बताता हूँ। देखिए रवि, 2 दिन तो बहुत लंबा हो गया ना, इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। नागप्पा जी मैं आपसे कहा ना, एक दो रोज में बताता हूँ, आइए चलिए। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रवि जी। राम भैया मैं फिर से कह रहा हूँ, नगप्पा जी की बात मान लीजिए, उनसे रुपए लेकर घर भेज दीजिए। अरे यार क्यों परेशान कर रहा है, तू पिताजी को नहीं जानता, वो अक्सर ऐसे किया करते हैं, झूठ या सच का बोलते हैं कुछ पता नहीं चलता। क्या मतलब? देख मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वकील साहब इस बार अपने बेटे को कुछ ऐसी चालाकी से चिट्ठी लिखी है कि उधर उसने खत पढ़ा नहीं कि मनी ऑर्डर फौरन आया है, और मैं उस वक्त आपकी सारी फीस चुका दूंगा। मैंने फीस कब मांगी है आपसे? तुम्हारे बेटे को तो अभी अभी नौकरी मिली, उस बिचारे के पास इतने रुपए आएंगे कहां से? वो तो ठीक है वकील साहब, लेकिन लेकिन कल पेशी है ना? हाँ है।
हम किस चीज चाहेंगे ना? देखो बुला के चलिए, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी रही हार जीत वो मुरली वाले पे छोड़ दो। हेलो महादेव। हाँ बोलो। क्या? मैं अभी आया। क्या गाना सुना, जनता के दिल की पुकार, क्या सुरीला राग था के बस। नारायण प्रसाद। क्या हुआ? ये बांके और उसके चेले चपाटे तीन करस्तर बजाकर कर हमारी हंसी उड़ा रहे हैं और तुम खुशी से पूरे जा रहे हो। नहीं तो फिर क्या किया जाए? आज ही उस बदमाश के नाम एक केस कर दो। केस कर? क्यों? तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जानता हूँ। बाके के खिलाफ कोई ऐसा सबूत है कि जो मैं कोर्ट में पेश कर सकूं? तुम वकील हो, तुम जानो, तुम ढूंढ लो। हाँ मैं वकील हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बराबर बोल दो। महादेव प्रसाद, बाके का कोई प्रेम पत्र तुम्हारी बेटी के नाम? नहीं। कोई झूठी खबर अखबार में? नहीं। दोनों का एक साथ फोटो? क्या बकवास करते हो? मैं बकवास नहीं करता। कल जज साहब कोर्ट में मुझसे यही सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब? नारायण प्रसाद, मेरा दिल जल रहा है और तुम गाना गा रहे हो। क्या उसे अदालत में खड़ा करके उससे सच नहीं उगलवा सकते हो? उगलवा सकता हूँ, मगर अदालत में तुम्हारी लड़की से मुझे ये सवाल करना पड़ेगा कि बाके के साथ तुम्हारे कोई ताल्लुकात है, जायज या नाजायज। महादेव, जिस बच्ची को मैंने बचपन में खिलाया है, मैं उससे ये कैसे सवाल कर सकता हूँ? तो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा और क्या कर सकता। मुरली वाले पे भरोसा रखो। अपनी लड़की से कह दो कि लोगों से ज्यादा मेल जोल न रखे, लकड़ी से नहीं प्यार से समझो, वो अभी बच्ची है। हाँ बच्ची है, दूध पीती, और तुम बच्चे हो, अंगूठा चूसते हो, और सब कुछ झूठ है वो उस बदमाश के लिए जो हमारी पगड़ी उछालता। उस्ताद इसकी चमक देखकर समझा मैं ये सोने का है, फिर भी दो चार रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो ले बेटा, ये रही तेरी कमीशन। अपने अपना मार निकाल के बाहर रख दिया, ये नू एक एक की तलाशी। अबे संता क्यों झटक रहा? उस्ताद कल मार पड़ी थी ना, तभी से दर्द हो रहे हैं। अभी कच्चा मिला ये क्या? उस्ताद सोचा था आज रात को मुन्नी जान के कोठे पे जाके मुजरा देखूंगा और उसे ये खूबसूरत सा तोहफा दूंगा रुपयों के बदले में। सुनो बेटा, सारे महीने तो जूते जठाता है। अच्छा अब जरा हम अपने डिग्री वाले नवरत्नों की खैरियत पूछ लें। कहिए हजरत, आपने यहाँ क्या तीर मारा? कोई नई खबर कुसुम के बारे में? यस सर, एक लड़का आने वाला था दिल्ली से आपकी कुसुम को देखने। देखने दिया? जी नहीं, पहले ही पता काट दिया। कैसे? तो पहले ही मालूम किया कि उसका नाम क्या है और फिर उसका पता क्या है। फिर दो तीन गुमनाम लेटर उस लड़के के बाप के नाम। क्या लिखा? कि लड़के को आने दे यहाँ, इसलिए कि वो यहाँ पहुँच कर अपने कानों से सुन ले कि लड़की कितनी बदनाम है। शाबाश शाबाश, अरे कौन कहता है कि हमारे देश को पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है। और साथ में एक लेटर उस लड़के के नाम भी। कार्बन कॉपी ये रहा सर, पढ़ो पढ़ो। प्यारे भाई नमस्ते, आपके लिए इस शहर में दर्जनों लड़कियां अभी तक कुंवारी बैठी हैं। कुंवारी, खूबसूरत और पैसे वाले। हाय दिल चाहता है कलम चूम लूं तेरा बेटे। आगे पढ़ो। तो आप सिर्फ एक ही लड़की को देखने के लिए क्यों आ रहे हो जो सिर्फ नाम की कुंवारी है? ओए मोट डाला ललवा, मोट डाला। एक बात तो बताओ ललवा, इससे पहले क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे? उस्ताद आगे सुनो ने क्या लिखा। पढ़ो पढ़ो। ये लड़की शादी के बिना ही किसी की हो चुकी है जो खूबसूरत है और नौजवान। सुभान अल्लाह, मोट डाला जानी, मोट डाला। आगे पढ़ो। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, आप जो के पढ़े लिखे हैं। मैं? आप नहीं उस्ताद, वो। हाँ ठीक है, अब अपनी जगह, हम अपनी जगह। आगे पढ़ो। हम आपको नेकोबद हुजूर को समझाए देते हैं, मानो ना मानो तुम्हें। देखा कितना फर्क है तुम में और इन डिग्री वालों में। क्या फर्क है उस्ताद, अगर वो कलम के सिपाही हैं तो हम जेब के खापे मारें, मगर एक बात, चोरी हम करें
डाका हम डाले, जेब हम काटे, मार हम खाए, जेल में हम गए, लेकिन गुदा गुदा आपका और खिलके हमारे। खराब बात है, जानते हो लीडर से कैसे है? जानता हूँ, जो सारी मलाई आप खाए। मगर कैसे, कमरे की तरह झपट गया? नहीं, अपनी होशियारी और चालाकी से। अब मुझे को देख लो, सारे शहर में किस सफाई से मशहूर कर रहा हूँ कि कुसुम और मैं ऐसे हैं, ऐसे हैं जैसे सुई और धागा। उस्ताद क्या फरमा रहे हो, क्या ये सब सच नहीं है? बिल्कुल झूठ है। लेकिन देखा देखा, मेरी पार्टी में होते हुए भी कैसे मान के झूठ को सच, इसे बोलते ही लीडरशिप बेटा। अरे वो है कुसुम जो मेरे मुंह पर थूकती भी नहीं। हाँ ऐसे नहीं, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। शकुन क्या है दीदी, जरा सामने आ ना। अरे ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, खाने जाएंगे तुझे, आ ना। अच्छा जा, इनके लिए फल ले गया। पता है ये कौन है? मेरी छोटी बहन शकुंतला। अब बोलो क्या काम है? कॉलेज में सालाना जलसा है, ओल्ड बॉय एसोसिएशन का। इस बार बड़े ठाट करेंगे ऑन अ ग्रैंड स्केल। गुड, करना ही चाहिए। मगर तुम जब ग्रैंड कहते हो तो कितना ग्रैंड? कलेक्टर साहब की वाइफ को बुलाने का इरादा है। अच्छा समझ गई, गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी है इसलिए कलेक्टर साहब की बीवी को बुलाए हैं, यानी कि कलेक्टर हमारी तरफ और हमारी ग्रांट पक्की। वंडरफुल। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। सच? मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता? कुछ लोग तो समझते हैं कि मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? इस जलसे को कामयाब बनाना आप ही के हाथ में है। नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? जरूर खून निकल आया होगा। जी नहीं। नहीं क्यों, तुम्हारे बदन में खून नहीं है? जी मेरा मतलब, देखो देखो। ओह प्लीज डोंट। प्लीज डोंट क्या? उंगली कट गई, खून निकल आ रहा है और कह रहे हो प्लीज डोंट। अब यहाँ से सीधे डॉक्टर के पास जाना, समझे? जी मगर वो पैसे। डॉक्टर के फीस? जी नहीं, वो सालाना जलसे के लिए। बट ऑफ कोर्स। लेकिन वो कहाँ से आएंगे? मैं दे दूंगी। मगर कब? तुम बोलो कब। यही सोचने के लिए हमने मीटिंग बुलाई आज शाम को 5 बजे कॉलेज में। तो फिर मैं ठीक 4:30 बजे वहाँ पहुँच जाती हूँ। अच्छा जी, मैंने बाय बाय। दीदी क्या तुम सचमुच इस मीटिंग में जाओगी? क्यों बताओ, तू क्या मेरी दादी लगती है? जब देखो कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब आओगी, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है इस तरह? इसलिए कि मुझे दुख होता है। किस बात का? अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सर पे एक छत भी है, और क्या चाहिए हमें? अपनी खोई हुई इज्जत। क्या मतलब? एक दिन लोग हमारे डैडी के सामने आते हुए डरते थे, मगर अब हमारे डैडी इनसे आंख नहीं मिला सकते। क्यों 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 क्यों? मैंने तो मना नहीं किया। दीदी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज तक अपने रसूख से कितनी लड़कियों की शादी करवाई है हमने, मगर अब जब देखो उनकी आंखों में आंसू। ऐसा क्यों? तुम्हारे कारण। अरे जा, एक झांपड़ दूंगी तुझे, बोलती है मेरे कारण। दीदी अब क्या, तुम कभी कुछ नहीं समझोगी। अच्छा एक बात पूछती, वो जो लड़के आए थे ना, उनमें से एक की उंगली कट गई? हाँ बेचारा, उसके साथ और भी तो लड़कियां थी, उनमें से किसी ने उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? बाप रे बाप, एक आदमी की उंगली कट गई, खून बह रहा था, मैंने तो सिर्फ पट्टी बांधी, ये कोई पाप है? कितनी बुरी है ये दुनिया, और इसी बुरी दुनिया में जब तुम बच्चों से हरकतें करती हो तो वो 2 कौड़ी का गुंडा बाकी हमारी बदनामी करता है। खबरदार जो उस गुंडे का नाम लिया तो। हाँ वही कहता फिरता है। कहता है तो कहने दे, मेरा क्या जाता है उसमें, उसी का मुंह गंदा होता है। लेकिन हम तो कहीं के ना रहे। मैं हाथ जोड़ती हूँ दीदी, संभालो अपने आप को। कैसे? खुद बता नहीं सकती और बनती फिरती है दादी माँ।